क्या हुआ है आपको, ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे? लोग जाने नहीं दे रहे, लोग बाहर खड़े हुए हैं। देखो लोग दीवारों पे चढ़ के जा रहे हैं। मैंने भी चढ़ जाना था, स्मार्ट नहीं इसलिए ऊपर नहीं जा रहा था। यार ये कुछ नहीं होता है, मिट्टी के बने हुए लोग, कुछ नहीं होता है इनको। आप मैं कोशिश करता हूँ, कपड़े खराब हो YouTube पे आ गए हो। आपका चैनल किस नाम पे? मोबाइल है पास। वालेकुम सलाम, तुम्हें आबादी मुबारक हो। और जो कैमरा देख के पीछे आ जाते हैं, फिर कैमरे में आके अपना फेस देख के फिर खुशी फील करते हैं। यार ये खाली तस्वीर वीडियो बना रहा हूं, ईद लो मसूद, ईद लो ये है जी आजादी सॉन्ग की सेलिब्रेशन। ये सामने मनारे का स्थान, और मनारे का स्थान के अंदर भी आवाम है, पर वो ऑस्ट्रेलियन जो मुमिन इसमें होते हैं। आज जो मैंने जो आपके साथ फाइबर शेयर किया था उसकी वीडियो वो मैंने यहीं से शेयर की थी, फाइबर से ही। सबसे पहले तो आप लोगों का मीडिया का जो छोटे चैनल वाले हैं, जो बड़े चैनल वाले हैं, ये हमारी आवाम तक आवाज पहुंचाते हैं, इनका हम शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ये जो मसला है ना, सब अच्छा है, सब ठीक है जी। ये बातचीत कर रहे हैं इनसे, और ये जो आजकल नया चला ना टिकटिक, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, बस यही कहना चाहूंगा। पाकिस्तान में राशि काफी ज्यादा, लेकिन अभी नहीं चाहते कैमरा दे के अपना जो दिल की बात है वो करना चाहते हैं, और अपना एक मैसेज डिलीवर करते हैं। बस करता जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अजी भाई है मुझे तक के राज है, बस ये बदान का मूछ है, वो लाहौर में आया हुआ, मगर पाकिस्तान आजाद है, मीनारे पाकिस्तान बन गए हैं जी। फैमिली वगैरह के साथ लाहौर का हम लोग आजाद है, और हम लोग खुद हर चीज का ख्याल रखने वाले हैं, मगर ये खुद बगावत करने वाले हैं, अभी क्या करें यार। हम लोग सब आए घूमने फिरने के लिए, अगर अभी हम लोग अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, ये कुछ बताया कर दिया। चलो कोई नहीं, चलो खुश रहो जी जी। बाकी ये मेरा ये लोग जो बहुत लोगों के साथ लोग अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं आज के दिन की, क्योंकि उन्होंने आज के दिन की यहाँ पे, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो गया था, और मैं अपना ब्लॉग जो था वो रात को मैं यहाँ पे शुरू हुआ था, 12:30 पे मैं यहाँ से शुरू हुआ था सर, तो मैं सोया रेस्ट किया मैंने, और मैं यहाँ पे लेट आया, जब मैं आया तो ऑलरेडी ये गेम बंद था। वो लोग के कह रहे हैं कि हमें भी ब्लॉग में ऐड करो, लोग ना दो किस चीज का कंटेंट है, ये दिखाते हैं दुनिया को, ये कितना टाइम हो गया करते हो? मुझे महीना हो गया। तो यार अल्लाह कामयाब करे यार। सिर्फ 514 ना, सिर्फ 514 और सी किस में आओ। ये
मगरिब का टाइम पार हो चुका हुआ है और ये लोग जो जितनी आवाम है ये मूव हो गए यहाँ से गुलबर्ग, लिबर्टी, माल रोड, इन एरियाज में कोई डिफेंस की तरफ मूव होंगे। ये वहाँ पे जाकर मुझे जो है कि सेलिब्रेशन करेंगे 14 अगस्त की। रश भी बहुत ज्यादा है। ये ले जी अंकल आप ही आ गए हैं। अरे अरे कुछ भी आ गए हो डर रहे ही नहीं भाई हाँ साहब आ गए हाँ साहब आ गए अरे जी आ गए भाई मास्क भरा रहे हैं तू अंदर से दिखाओ छोटा मास्क उतारो हाँ अंदर से तो छोटा है हाँ साहब तू क्या बतरे चला भाई वो भी लगता है यहाँ पे आए हैं आजादी फ्लाईओवर पे आए हैं तो उनका खून आ रहा है दोस्तों का भी खून आ रहा है बेचारे इधर ही है तो चलो मैंने कहा इनको भी ब्लॉग में ऐड कर लूँ सुबह के मुझे खून जा रहे थे मैं सोया हुआ था और टाइम नहीं था इतना अभी आगे इनको इधर ही मिलता हूँ ये लो भैया आ गए आ गए ले लो यूट्यूब पे जाना ना मकसूद ये मेरे दोस्त आ चुके हैं आज इंतजार कैसे हैं आप ठीक है यार क्या कर रहे थे घर में आप बिजी थे बहुत बड़ा होगा तो मैं आपके पास इनको मैं देख कर मैं आगे जा चुका हुआ था तो वहां से वापस आया तो मैं भी गेट पे गया गेट पे बोला गए यार एंजॉय करो यही तो मेरे साथ एक फ्रेंड है मुकार क्लास पहले में बट ये कैमरे से आए हैं ये कैमरे के सामने नहीं आएंगे बट मैं आपको इनको पीछे से रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे वीडियो या फिर कैमरा देखेगा आपको ये मुझे गंदे दे रहा है मैं मेरी आपसे रात को बात हुई आप कह रहे हैं बीमार है बुखार चढ़ा बता क्योंकि मेरी आवाज देख रहे आप काफी शुरू है आप पैदल कैसे निकले हैं अभी तो आप पैदल ही निकले हैं नहीं तो ये वो कहाँ से आए अंदर से आए नहीं नहीं पीछे आ गए थे गाड़ी पे भी इधर आके पैदल हो गए सारे आ जाए आप प्लीज बताएं कुछ इसमें हमारे मुल्क के जान हसीन नौजवान जी जी बिल्कुल वो भी कश्मीर जाके अच्छा ये अब नीचे उतरे हैं अब मुझे लगता है कि हमें आगे जाने के लिए कम से कम भी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा बिल्कुल ऐसे ही होगा आज मैं यहाँ से 12:30 पे फ्री हुआ और जो पैदल डिस्टेंस था तभी भी बहुत रश था ब्लॉग अपना बना रहे हो कि मेरा बना रहे हो अच्छा अच्छा ठीक हो गया तो ये सेलिब्रेशन होगी और हमारा फ्रेंड माशाल्लाह से है भी बहुत छोटा सा है उम्र में तो हमसे भी बड़े हैं बट वो कैमरे के सामने आएंगे नहीं वो कहेंगे कैमरा ऑन जामपुर से वो कौन सी साइड वाली साइड से है ये भाई हमारे सिंध वाली साइड से है इसके बीच कैमरे के बीच में ये रहमान गार्डन के प्रॉपर्टी डीलर है
और जमीनों की खरीदो फरोख्त करते हैं। अब किसी ने रमान गार्डन में प्लाट लेना हो जो वहाँ के डीलर है तो मैं आपको इसका अंदर दे दूंगा। मजीद आप इनके साथ वापस कर सकते हैं। पर ये इसी सूरत में होगा कि बकार साहब हमें आज का खाना खिलाएंगे। अरे ग्लोब मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो चुका होगा, ये कार्ड मैंने कहाँ से लिया था? आवाम ने मुझे रोक रोक के अपना मैसेजेस दिए हैं, मैंने वो मैसेजेस भी आपके साथ शेयर करने हैं। ग्लोब में ग्लोब तो मेरा सिंपल था हिस्टोरिकल, क्योंकि मेरा सेकंड एक यही था प्लान, और एक प्लान इंसान बनाता एक अल्लाह बनाता, वो मेरा सारा ग्लोब हिस्टोरिकल वो मान गया पॉलिटिकल। आवाम ने अपने प्रोटेस्ट तोड़ दिया तुम्हारे लिए चलो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए ऐ वतन तू पुकार बहुत ज्यादा ले आए हम तुम मार दे हमारे मित्र शाम की दूसरी को तारा से आपसे मेहनत की खातर मिलने और लोगों को ग्राउंड देख के बहुत खुशी हो रहा और हमेशा भी लोग अच्छे तरीके से लोहरी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रेट लोगों के साथ जिस तरह के काम ने रिस्पॉन्स दिया लोगों ने रिस्पॉन्स दिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब क्या आगे मुझे बाजा निकलनी है हम बच्चे लगे रहे हम कहने लगे रहे हैं मार की सिचुएशन है इस टाइम कितना रश है ये जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है इस टाइम टाइम हो चुका हुआ है 11 बजे का टाइम है और आवाम का जो साउंड है तू नचे रहे मजा आ रहा है आपको टाइम हो गया तकरीबन रात के 11 बजने वाले हो गए हैं। लोग बिल्कुल तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अभी 12 मिनट ये भी हमेशा मैं माल पे जो लोग कहते हैं कि लाहौरियों की ईद हो चाहे वो 14 अगस्त हो या कोई त्यौहार हो लाहौरियों का माल हो जो लास्ट टाइम जो 14 अगस्त गुजरी थी उसमें इतना यहाँ पे रश क्राउड वगैरह नहीं था और इस टाइम मुझे जो फील हुआ है कि इस टाइम जो है इस दफा यहाँ पे काफी रश है तो यहाँ पे कुछ मंत्री नौजवान यहाँ पे है
ऐसे मैं हूँ पंजाब असेंबली के एरिया में हूँ। यहाँ पे आवाम जो है अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 11 बजे का टाइम चल रहा है इसका, और आवाम जो है यहाँ से मूव कर रही है क्योंकि 12 बजे से पहले जो इंतजामिया होगी उनकी भी कोशिश होगी कि इस रोड को और इस एरिया को वो क्लियर करेंगे। और बाकी मैं आज तुम्हें शेयर करता हूँ जी, यार इंजॉयमेंट की है आज ठीक है नहीं? हाँ इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट हो रही है सुबह की आज तो टाइम का भी है ना, वो सुबह का टाइम था, रात के तकरीबन 11 बज गए हैं। ऊपर से जो कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गया, छुट्टियां उनकी खत्म हो गई है, तो इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि आवाम का रश थोड़ा ना कम हो गया है। और कुछ मेरे ख्याल से ये है कि जो महंगाई का भी एक टाइम चल रहा है कि लोगों के अपना एक्सपेंस बड़ी मुश्किल पूरे हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लोहड़ी महंगाई को नहीं देखते, लोहड़ी को सिर्फ कोई ना कोई इवेंट चाहिए, ये हर इवेंट को एंजॉय करते हैं। मुझे जो लग रहा है कि ज्यादा मसला सिर्फ बच्चों का है ना, कि जो सुबह स्कूल का फर्स्ट डे है, इस वजह से भी सारे लोहड़ी रात कल 12 बजे के निकले हुए हैं, तो एक मूवमेंट होती है, इंसान भी थक जाता है, फिर इस वजह से एंड वाला टाइम है तो लोग छोटे ज्यादातर फैमिली अब घरों में चली गई। अच्छा मैं ये कहने लगा था कि हमारे साथ मुकार भी आए थे, लेकिन मुकार को किसी ने तोड़े निकाल के साथ नहीं ले गया, मुकार नजर नहीं आ रहा, मुकार की बहन ही वो किसी के टायर के साथ पड़ गया, चिपक गया, मेरे टायर के साथ चिपक गया, चिपक गया। तो भाई मैं आपके साथ आके जाके कुछ उसके मार ओढ़ के विजुअल शेयर करता हूँ कि मार पे कितना रश है, क्योंकि मुझे ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा तो बाकी यार बुखार को भी देखे, वो नजर नहीं आ रहा, 5 मिनट से वो आंखों से उज्जवल हो गए। ये ये बुखार आपको हम पीछे ढूंढ रहे थे, हम कह रहे थे पैर के साथ चिपक तो नहीं है। बुखार जरा कैमरा छाए हैं, मुझे धमके लगा रहे हैं, मुझे उधार धमके लगा रहे हैं, यारे मुझे कैमरे में मत ले गया हूँ, मेरी पर्सनैलिटी डाउन होती। मैं ये 4 साल से तकरीबन ये चौथा इवेंट है 14 अगस्त का मैं देख रहा हूँ, ये बाजा का रुझान काम नहीं हुआ। बाजा हालांकि पाकिस्तान में हर टाइम गुजरते टाइम के साथ कोई नई चीज आती है पाकिस्तान में एंजॉयमेंट के लिए, पर ये जो बाजे का रिवाज है ये खत्म होने का नाम ही ले रहा, हर 14 अगस्त पे मजीद ये इसमें इंक्रीज होता है। और ये भी कुछ ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होगा आज, ये ब्लॉग आज का मेरा कुछ इंटरेस्टिंग बनेगा। वाह जी वाह, ये है जिंदा दिलाने लोग तो किसी भी मौके पर। वो लोग हैं जो बिलों के सताए हुए हैं, बिल पर सताए हुए लोग पर एंजॉय करना नहीं भूल रहे थे। ये देखें हर स्टेप आप भी अच्छा चलाओ चलाओ चलाओ, मंजिला आपस में ला चुके ऐसे ही है जी, इनका समझ नहीं आ रही। अच्छा एक बात है, बाकी गाइस मैं इससे हूँ मार ओढ़ के और यहाँ पे हाँ जी कैसे काम है, किसी हम सोनी सुनने खड़े हो गए,
बाहर हो रहे कवर कर रहे हैं, बाहर हो रही है सारा। हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक सर। तुम्हारी है किधर है? तुम्हारी है कि काशी दास है? जी काशी है। स्कूल में जाना, स्कूल में जाना तुम्हें जाना। जाओ सर बुखार को भी देख रहे। बुखार कहाँ पे है? बुखार को मेरे को ना पकड़ तो नहीं लिया। हाँ जी भाई क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौथा बन गया अच्छा। मेरे से कसम उठा लो, मैंने 14 नकाद कागजात में भरे हैं, उसमें एक नकाद में नहीं लिखा था 14 अगस्त में भाजल आदमी को जानते। बाधा सिस्टम जो है ना वो पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी चीज पेंडिंग लिमिटेड नहीं होती, एक्सपायर हो जाती है एक साल के बाद। तो ये है कि यहाँ पे ये चीज पहले का नाम नहीं होगा। अब दोस्ती लोग जो है ना यहाँ तक तो ठीक है, तुम यहाँ पे बाधा बचा रहे थे जो लोग तो गली जो गली मोहल्ले में बचा रहे थे पहले वोट पे। मेरे जो मौसम लोग होते हैं वो पंजाब पुलिस के जवान आ चुके हैं जो कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और आप मार रोड को यहां से क्लियर करवाएंगे। जो कि टाइम तकरीबन हो चुका है, अभी से स्टार्ट करेंगे इस पूरे एरिया को क्लियर करवाएंगे। आवाम को आपको करने लगे हैं जरा साइड लाइन। आवाम ने बहुत इंजॉय कर लिया 14 अगस्त को मार पे। अब इनकी तरफ से थोड़ी सी आप रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी आवाम को, ताकि आवाम यहाँ से मुंतशिर हो और अपने घरों की तरफ निकले। और ये पाकिस्तानी आवाम है वो इतनी जल्दी यहाँ से मुंतशिर होने नहीं वाली। अभी से उनको पता है, अभी से स्टार्ट करेंगे तो इनको करते करते एक टाइम लगेगा। अब वो जरा यहाँ पे हरकत में आ चुके हैं। हमारे बुखार हमारे बुखार को देख लेते ले तुम मैं गाड़ी में डाले में बिठा के लेके मैं लेके तो चला गया। नहीं वो टाइम के साथ अभी भी चपका होगा, चपके चिप चपका भी होता है चिपका है जो गला खराब है आपका। इस टाइम देखे आप देखो बड़े तो बड़े बच्चे तो बच्चे एंजॉय करने के लिए रुके हुए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन ये हमारे जो है
तकरीबन है तो तकरीबन ये माल ऑर्डर ऐसा है कि यहाँ पे एहतजाज करना हो मेडिकल चौक, कोई खुशी हो कोई गमी हो मेडिकल चौक ऐसे ही है गोदाम की तरफ जाते हैं। मैंने आपके सामने 13 अगस्त का ब्लॉग भी शेयर किया है और उसके अलावा मेरा ये 14 अगस्त का ब्लॉग है। क्योंकि आप गोदाम की तरफ हो गए तो मैं 12 बजे से पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा तकरीबन। मेरे मुझे ये मैं आप यहाँ से अपने ब्लॉग पे यहाँ से गोदाम कर रहा हूँ। मैंने आपसे 13 अगस्त का ब्लॉग भी शेयर किया था और आपके 14 अगस्त का भी ब्लॉग शेयर किया। तो नॉर्मल जिस तरह की सेलिब्रेशन की जाती है मेरी कोशिश थी कि मैं अपने व्यूवर्स को वो सेलिब्रेशन उनके साथ शेयर करूँ और मैं अपने ब्लॉग यहाँ से काम कर रहा हूँ। मेरा कुछ ये ब्लॉग थोड़ा सा कैजुअल था, लोगों के अजीबो गरीब रिमार्क्स भी थे, वो मैंने सारे रिमार्क्स भी इसमें शेयर किए। हालांकि मेरे ब्लॉग आपके थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेंट होता है तो मैंने लोगों की कुछ राय भी इसमें दिखाई है। बाकी मैं इस ब्लॉग यहाँ से काम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग को पसंद किया। अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन ताकि मेरे तमाम अलग अलग ब्लॉग आप तक पहुँच सके। वो आपके ब्लॉग काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।